नमस्कार दोस्तों, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, हमारे सामने है भडकल गांव की रहने वाली शबनम। इनके साथ कुछ दिनों पहले मारपीट हुई और जो भी वारदात हुई ये खुद बताएंगी। इन्होंने पुलिस थाने में और सीपी साहब के पास शिकायत दी है। अब इनसे सीपी साहब से क्या मांग है ये खुद बताएंगी। शबनम जी, आपके साथ क्या हुआ थोड़ा सा बताइए। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन, एशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, ऑफरिंग कोर्सेज लाइक बीटेक, एमटेक, बीबीए एंड बीसीए। विजिट eitfaridabad.com। एशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, लीडिंग द कॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन एंड विनिंग इट। सर, मेरा नाम शबनम है, मैं भड़कल गांव में रहने वाली हूँ। और ऐसे से मेरा ना लॉकडाउन का किराया रह गया था उनके ऊपर, तो मैंने ना पुलिस के जरिए वो पैसे दिलवा दिए थे। अच्छा। तो मेरा सामान रह गया था उनके ऊपर। कहाँ पे, किसके पास रह गया था? यासीन मलिक के यहाँ पर। कौन है ये? ये तेली है, मतलब मेरे मकान मालिक। अच्छा, आपके मकान मालिक जी। अच्छा, तो मैंने मकान खाली कर दिया था, वो ये कह रहे थे कि मैं यहीं पर आकर रह, तू यहीं पर रह और मैं तेरा किराया भी माफ कर दूंगा अगर तू मेरे उस हिसाब से चलेगी तो। क्या आपने किराया क्यों नहीं दिया उनको? सर, मैंने लॉकडाउन में किराया, आपको पता है, किसी का काम नहीं चल रहा था, लॉकडाउन में पैसे ही नहीं थे किसी के पास भी। तो मैंने कहा मैं आपको थोड़े दिन मुझे टाइम दे दो, मैं आपका लॉकडाउन का भी किराया दे दूंगी। और वो मैंने दे दिया पुलिस के जरिए। कितना दिया था? मैंने 35,000 रुपए दे दिए उन्हें। अच्छा, ठीक है। और अब वो ना यूँ कह रहे हैं कि मतलब है ना, अब मुझे और पैसे चाहिए, नहीं तो ना मैं तुझे बदनाम कर दूंगा और वरना तू मेरी हो जा, मैं जब माफ करूंगा पैसे जब तू मेरा एक ये वाला काम कर लेगी। कौन सा काम कर दे? सर, वो मेरे से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने कभी पुलिस में शिकायत की? सर, मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं अकेली हो रहा हूँ, तो कौन मानेगा मेरी, बताइए, मेरी तो इतनी जिंदगी खराब कर दी उस बंदे ने बहुत ज्यादा। सर, कभी ना मैं पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए गई थी तो वो ये कहते हैं पुलिस वाले की है ना, सीने पे तो हाथ चल ही जाता है, छाती पे भी हाथ चल जाता है, कहीं पे भी हाथ चल जाता है। कौन से थाने में गई थी आप? मैं महिला थाने में गई थी सर। किससे आपने बात की, किससे मुलाकात? वो क्या कहते हैं, क्या नाम था, नहीं उसका, कविता। कविता जी। अच्छा। उन्होंने यही कहा कविता ने कि ना ऐसे तो सीने पे तो हाथ चल ही जाता है और जांघों पे भी और रिजाल बंदी टूट जाता है, ये कोई वो का कार्रवाई नहीं है ये। तो आपने कोई लिखित में शिकायत नहीं दी उनको? सर, मैं दे रही थी ना तो बार बार में कटवाई जा रही थी। एसएचओ साहब से नहीं मिली आप वहाँ? नहीं सर, किसी ने कोई हमारी शिकायत नहीं सुनी किसी ने भी। उसके बाद आपने क्या किया? सर, मैं सीधे अपनी भाभी को लेकर यहाँ पर आ गई, मैं खुद जो मेरे चोट वोट लगी थी यहाँ पर सारे सीने पे सब इन्होंने मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए थे। अच्छा अच्छा, और किसको चोट आई थी? सर, मेरी भाभी को चोट आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी मैडम, आप भी भड़कल में रहते हो? जी भड़कल। क्या हुआ था उस दिन बताइए थोड़ा। उस दिन ये हुआ था, ये मुझे लेकर गई, ये अंदर चली गई, मैं बाहर खड़ी हुई। जब अंदर लेकर गई ये तो इनके साथ वारदात हो रही थी। अच्छा। मैंने देखा तो आग बबूला हो गया वो। क्या छेड़ने की कोशिश हो रही थी? कोशिश करी थी इसको। अच्छा, तो देखने लगी तो मेरे ऊपर आग बबूला होने लगा और मुझे मारने लगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा। मार के सब दोनों ने मुझे नीचे लिटा दिया जमीन पे, मैं नीचे। कितने लोग थे वहाँ? वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, इसके घर वाले सबों ने मुझे, लड़कों ने मारा है। अच्छा अच्छा। सब लड़के और वो हाजी सब आदिवासी ने सबने मुझे मारा है। बीके हॉस्पिटल में आप आए हैं, यहाँ पे इलाज कराया है, एमएलसी वगैरह आपने सारी कटवा ली है? हम थाने में भी। एक मिनट एक मिनट, तो इन्होंने ये देखिए डीसीपी साहब को मार हुई है, सीपी साहब को इन्होंने जो शिकायत दी है, और ये इनकी एमएलसी है जो बीके हॉस्पिटल में इन्होंने कटवाई है। और अब इनका कहना है, इनकी भाभी हैं ये, इनके साथ भी मारपीट हुई, और इनका कहना है कि छेड़छाड़ करते हुए इन्होंने देखा था, जब इन्होंने देख लिया तब आपको मारा गया, पीटा गया। ठीक है। जब मेरा मोबाइल भी छीन लिया उन्होंने, मोबाइल छीन के फिर मेरी चैन नीचे मुझे गिरा दिया, चैन बैन मेरी सारी टूट गई। अच्छा, और मुझे पता नहीं चला कि चैन मेरी कहाँ गई। तो मोबाइल आपका दिया नहीं फिर? नहीं, कुछ नहीं दिया ना मोबाइल। अभी भी छीन रखा है मोबाइल? अभी भी रखा हुआ है उनके पास। पुलिस में आपने बताया? पुलिस में आपने बताया कि मोबाइल भी छीन लिया, चैन भी छीन लिया, सब बताया था? वो तो नहीं कह रहे थे, पहले पीके से रिपोर्ट बनवाइए आप, जब तुम्हारा काम होगा। अच्छा अच्छा। तो सीपी साहब को आपने जो शिकायत दी, उन्होंने डीसीपी साहब को मार की एनआईटी? हाँ। डीसीपी साहब से आपने मुलाकात की? नहीं। आपने किया मुलाकात? अच्छा, क्या कहा उन्होंने? तो सिर्फ लिख के दे दे साइन करके और कुछ नहीं कहा। अच्छा, कोई आश्वासन नहीं दिया आपको? नहीं, कोई आश्वासन। क्या मांग है आपकी? सर, मुझे इंसाफ चाहिए। सर, मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे ही होता रहेगा सर, कि मतलब कोई भी आदमी आके ना हाथ डाल देगा। अच्छा अच्छा, ये कब से उसकी नियत खराब है आप पर? सर, जब से मैं उसके घर में रह रही थी ना, जब से उसकी नियत खराब। आपके घर में और कोई नहीं जो आपके साथ? पति, दो बच्चे रहते हैं सिर्फ। अच्छा, पति आपके हैं? मेरे बाहर रहते हैं पति। अच्छा, बाहर रहते हैं। सबको पता है कि मेरे पति ना बाहर रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने उसको नहीं समझाया जो मकान मालिक है? भैया, मैं उसको कह रही थी, नहीं कह रहा था
जान से मार दूंगा अगर तुमने किसी से भी कुछ भी कहा तो, क्योंकि वो बदमाश आदमी है सर। अच्छा, लैंड लॉर्ड है बहुत बड़ा सर, उसके बाद वो कबाड़ी का काम करता है ना, और वो भी है क्या कहते हैं तांत्रिक बाबा भी है। अच्छा अच्छा, तो क्या मांग है आपकी पुलिस प्रशासन से, आपकी जान को भी खतरा है सर? मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए आपको। अच्छा, ये जो औरतों पे अत्याचार हो रहा है ये कब तक होएगा, कब तक? अभी FIR दर्ज नहीं हुई है, कितना दिन हो गया आपको परेशान होते हुए? 19 तारीख से लगा लीजिए, आज 24 तारीख हो गई, आज 19 अक्टूबर को आपने शिकायत दी थी और 5 दिन हो गया FIR अभी दर्ज नहीं हुई, और आप महिला थाने में गए तो उन्होंने कहा कि हाथ तो चल ही जाता है शरीर पर, सीरियसली नहीं लिया? नहीं, सीरियसली नहीं लिया सर उन्होंने। अच्छा, चौकी में गए थे, चौकी वाले कह रहे हैं कि वहां चले आप। कौन सी चौकी में गए आप? थाना अंखीर, अंखीर में, अनखीर चौकी में आप गए, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं करी सर उन्होंने भी। अच्छा, तो CP साहब जो बहुत बढ़िया बताए जाते हैं और जनता दरबार में सबकी शिकायत सुनते हैं, तो आपने उनसे पर्सनल मुलाकात नहीं की? CP साहब से नहीं मिली थी। तो देखते हैं इस मामले में फरीदाबाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। DCP साहब को ये शिकायत मार्क की गई है, CM विंडो में भी शिकायत हुई है। वैसे तो महिलाओं के मामले में FIR दर्ज हो जानी चाहिए, उसके बाद पुलिस को जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, लेकिन अभी FIR दर्ज नहीं हुई है। और इनका जो आरोप है यासीन मलिक हाजी पर आरोप है। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ ने एक पक्ष का बयान सुना दिया है, अगर दूसरा पक्ष चाहेगा तो उसका भी बयान सुनाया जाएगा, उनका क्या कहना है। फिलहाल पुलिस से इनकी अपील है, मामला दर्ज करें, FIR दर्ज करें और कार्रवाई करें। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।